शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है, केंद्र से हमने ऑक्सीजन को लेकर चर्चा की है, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए एक कमेटी भी बनाई है। तो केंद्र से चर्चा के बाद भिलाई से भी ऑक्सीजन मिल रही है, 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो रही है। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, हमने 1,00,000 इंजेक्शन मंगवाए हैं, कंपनियों से प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा है, तो 350 वेंटिलेटर भी केंद्र सरकार से जल्द मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने जनता से अपील की अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है, वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है तो सीएम ने कहा कि केंद्र से हमने ऑक्सीजन को लेकर चर्चा की है, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए एक कमेटी भी बनाई है। केंद्र से चर्चा के बाद भिलाई से भी ऑक्सीजन मिल रही है, 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो रही है, सीएम ने कहा है। बनने की संभावना लगभग 1,00,000 के आसपास है, हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको, इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ने का क्रम जारी है, हम लोगों ने बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है। भोपाल इंदौर में बड़े सरकारी भवनों में कहां कहां हम सेंटर बना सकते हैं उस पर एक टीम काम कर रही है, एसीएस राजौरा उसको देख रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे, मैं बताना चाहता हूं कि हमें 3 दिन पहले 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, लेकिन हमने चर्चा की केंद्र सरकार से, हमको ऑक्सीजन मुख्यतः गुजरात और उत्तर प्रदेश से, थोड़ी सी महाराष्ट्र से प्राप्त होती है, अब भिलाई स्टील प्लांट से भी अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है, वर्तमान में पर्याप्त उपलब्धता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पूरी नज़र रखी जा रही है। जहाँ तक इंजेक्शन का सवाल है, हमने 1,00,000 इंजेक्शंस के ऑर्डर्स दिए हैं, आपूर्ति प्रारंभ हो गई है, परसों 2,000 मिल गए थे, आज फिर मिलेंगे, उसके लिए हम टेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने क्योंकि जल्दी चाहिए थे तो कुछ आदेश ऑर्डर सीधे कर दिए, तो इंजेक्शन भी प्राप्त होना प्रारंभ हो गए हैं। और प्रदेश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे, सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक का सीएम लेंगे, तो स्वास्थ्य कर्मचारियों से वर्चुअली चर्चा करेंगे, तो सीएम शिवराज सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ कंपाउंडर पैथोलॉजी को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे कोरोना समीक्षा बैठक भी करेंगे,